समझती है कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है। सेवा ज्यादा चाहिए, पहले हमको चांस मिलना चाहिए। क्यों दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं? सेवा करना बहुत अच्छा है, क्यों कि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है, इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। लेकिन जो सेवा आपको हलचल मिलाए, मानो चांस नहीं मिला है सेवा, और मन सेवा का तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टेंस अनुसार नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने के बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए तो वो सेवा क्या? उस सेवा का पत्ता क्या, फल क्या मिलेगा? ऐसी सेवा का, सच्ची सेवा, प्यार से सेवा सभी के दुआओं से सेवा, उसका पतंग या फल खुशी होती। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो फीलिंग को पता है क्या कहते हैं? या क्या कहते हैं ब्रह्मांड फीलिंग को? फिलो, फिलो की बीमारी वाला क्या करते हैं? सो जाते हैं ना, जल्दी खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। तो यहाँ भी क्या करते हैं, जब फीलिंग आती है ना तो क्या होता है? या खाना छोड़ेगा या रोज करके बैठ जाएगा। तो ये फिलो तो हुआ ना, सेवा अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा,
ये हो जाए, कहीं साथ ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा। ब्राह्मण की बहुत आगे रखेगी, पूछेगी ये सब भाव स्वागत की सेवा की दिशा। जो सच्चा सेवादारी है आजकल के हिसाब से शिविरों की स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन इस समय के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास सेवा को जन के आएंगे। सेवादारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिले, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से अपने चलन से सेवक। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार करा, आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिला, ये सेवा नंबर वन है। चाहे आपका ऐसी सेवादारी जो स्वार्थ भाव नहीं हो, मुझे चांस मिले मेरे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए। ये ऐसी संकल्प स्वार्थ कहा जाए। ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं, सेवादारी हो अच्छी लेकिन नाम नहीं है आपका, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए, पर नहीं। लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो
नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिला तो वो भी नॉट हो सकता है। और मांग के चांस लिया वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्स कट होते। ये धर्म राज करता कोई कम नहीं, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब। इसीलिए निर्स्वार्थ सेवादारी अपना स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ, और दूसरे समझते हैं कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा है, चाहे आपने नहीं किया, लेकिन दिया किसको चांस तो उसमें भी आपका शेयर जमा। क्यों सच्चा डायमंड बनाने हैं ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो।